हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच पे। फ्रेंड्स, कल हमने अपनी बायोलॉजी की सीरीज़ में मानव रोग का चैप्टर किया था। होप सो आपने वो पढ़ लिया होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एग्ज़ाम में उसके बार बार आने के चांस रहते हैं। तो आप उसको कभी भी मिस मत करना अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो वो आपके एग्ज़ाम में वहाँ से पक्के क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर है? तो चलिएगा, आज हम अपना नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है डीएनए, आरएनए और अनुवंशिकता के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुवंशिकता के बारे में जो क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्टली वही करेंगे, अनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स। तो सबसे पहली बात है कि अनुवंशिकता होती क्या है, कि देखिए ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विकसित होते हैं, उन्हें आनुवंशिक गुण कहा जाता है। और इन गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। आपसे पूछा जाए कि ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आनुवंशिक गुण। और इनका पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता के पिता या आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जॉन ग्रेगर मेंडल को। आपसे पूछा जाए कि आनुवंशिकता के पिता कौन है, तो जॉन ग्रेगर मेंडल है, या कई बार जीजे मेंडल भी लिखा आता है पेपर में तो वो शॉर्ट में लिख देते हैं, या आप अकेले मेंडल भी याद रख लेंगे तो भी आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा कि आनुवंशिकता के पिता या आनुवंशिकता के जनक किन्हें कहा जाता है? जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। तो अब इसके पीछे क्या रीजन है कि इनको आनुवंशिकता के पिता कहते क्यों हैं? क्योंकि भाई इन्होंने आनुवंशिकता का पता सबसे पहले लगाया था। तो आपसे पेपर में पूछा जाए कि आनुवंशिकता का पता लगाने के लिए मेंडल ने किसका प्रयोग किया था, तो इसने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था फ्रेंड्स? मटर के पौधे का प्रयोग किया था। और ये जो मटर का पौधा था, ये मटर का पौधा कैसा था भाई? गार्डन मटर। गार्डन मटर के पौधे का प्रयोग किया गया इसके द्वारा आनुवंशिकता की जांच के लिए। तो आनुवंशिकता का सबसे पहले पता किसने लगाया? मेंडल ने। इसीलिए आनुवंशिकता के जनक मेंडल को कहा जाता है। और इसने किस मटर का किस पौधे का प्रयोग किया था? तो गार्डन मटर का प्रयोग किया था। क्लियर है? तो अब आनुवंशिकता से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिएगा, आनुवंशिकता की खोज तो किसने की है? मेंडल ने किया। लेकिन अगर ये जो वर्ड आज हम पढ़ते हैं आनुवंशिकता, ये मेंडल ने नहीं दिया था। आपसे पूछा जाए आनुवंशिकता को आनुवंशिकी किसने कहा, या आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा वाटसन। क्लियर है? आपसे पूछा जाए आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? वाटसन ने। अनुवंशिकता की खोज किसके द्वारा की गई? तो अनुवंशिकता की खोज किसके द्वारा की गई थी? जॉन ग्रेगर मेंडल के द्वारा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो बात पढ़ते हैं, तो अनुवंशिकता की अगर इकाई पूछी जाए आपसे कि अनुवंशिकता की इकाई क्या है, तो अनुवंशिकता की इकाई जीन को कहते हैं। किसे कहते हैं? जीन को। अनुवंशिकता की इकाई किसे कहा जाता है? तो जीन को कहा जाता है। द यूनिट ऑफ जेनेटिक्स किसे बोलते हैं? जीन को। अब ये जीन है, इसकी खोज पूछ ली जाए कि जीन की खोज किसने की थी, तो जीन की खोज का नाम तो किस में आएगा? मेंडल ने। जीन की खोज किसने की? मेंडल ने की। लेकिन जीन को जीन का नाम किसने दिया था, तब आपका आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि जीन को जीन का नाम किसने दिया था, तो जीन को जीन का नाम दिया था जॉनसन ने। जीन को जीन का नाम किसके द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स? जॉनसन के द्वारा। यानी आपसे पूछा जाए जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? जॉनसन। कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉनसन के द्वारा किया गया। तो फिर जब मेंडल ने इसकी खोज की, तो मेंडल ने इसे क्या कहा था? मेंडल ने जीन को क्या कहा था भाई? कारक। ठीक है, कारक। आपसे क्वेश्चन क्या पुट हो सकते हैं कि जीन को मेंडल ने क्या कहा था? कारक। या जीन की जब खोज हुई थी उस टाइम मेंडल ने इसको क्या नाम दिया था? कारक। कारक का नाम बदलकर जीन किसने रखा, तो जॉनसन ने रखा था। कारक का नाम बदलकर जीन किसने रखा था, तो जॉनसन, या जॉनसन लिखा आता है पेपर में, तो जॉनसन ने कारक का नाम बदलकर क्या रखा था? जीन रखा था। क्लियर है? कुछ इस तरीके से भी ये पेपर में लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये जॉनसन या जॉनसन एक ही बात है, बस वर्डिंग की थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लियर हुई इतनी बातें?
तो जीन की जो अनुवंशिकता की इकाई है इसको मेंडल ने कारक का नाम दिया, लेकिन कारक से बदलकर जीन किया गया, किसके द्वारा? जॉनसन के द्वारा। क्लियर है जी इतना? इतनी बातें समझ में आई? अभी इसी अनुवंशिकता के बेस पर हमारा जो डीएनए बना है, इसी अनुवंशिकता के बेस पर डीएनए बना है, और डीएनए और आरएनए की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अनुवंशिक पदार्थ की अगर हम बात करें कि अनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, तो अनुवंशिक पदार्थ में या तो अपने पास किसका ऑप्शन आएगा पेपर में? न्यूक्लिक अम्ल का। अगर आपके पास न्यूक्लिक अम्ल का ऑप्शन नहीं आता तो आप किसको आंसर चूज कर सकते हो? डीएनए को। यानी या तो न्यूक्लिक अम्ल का ऑप्शन मिलेगा आंसर के रूप में, या किसका मिलेगा? डीएनए का। क्लियर है? दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे आपके पेपर में, अनुवांशिक पदार्थ, न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए। क्लियर है? उसके बाद में चलिएगा हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हमारा, पढ़ेंगे डीएनए। तो देखिए, मैंने आपको बता ही दिया कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ पूछा जाए, या तो डीएनए आएगा या क्या आएगा? न्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए की फुल फॉर्म हम ये पढ़ते हैं, और यहीं से इसकी फुल फॉर्म से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है पेपर में। क्या आता है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है और आगे भी आने के चांस रहते हैं। डीएनए में कौन सी शर्करा यानी कौन सी शुगर पाई जाती है? तो देखिए, डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है भाई? डी ऑक्सी राइबोज। कौन सी शर्करा पाई जाती है? डी ऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है। क्लियर है इतनी बातें कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डी ऑक्सी राइबो शर्करा। किस में पाई जाती है भाई? डीएनए में पाई जाती है, ये आप ध्यान में रखना। इसकी फुल फॉर्म में ही जो शुगर है वो डिफाइन है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि डीएनए जो है वो बना किसका होता है। तो देखिएगा, डीएनए जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। आपसे पूछा जाए कि डीएनए किसका बहुलक है, क्या पूछा जाए कि डीएनए जो है ये किसका बहुलक है, तो किसका बताएंगे? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे शॉर्टकट में आपको बताया जा रहा है, कोई मैंने वास्ट नहीं लिया इसको, ठीक है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। फिर आपसे सिंपली पूछ लिया जाए कि डीएनए किसका बना होता है, डीएनए किसका बना होता है, तो आपसे जो पेपर में पूछा जा सकता है डीएनए किसका बना होता है, उसका आंसर आपको मिल सकता है कि जीन प्लस में प्रोटीन का बना होता है। जीन प्लस में प्रोटीन का क्या बना होता है? डीएनए बना होता है। ये जीन की जगह वो आपको न्यूक्लिक अम्ल भी लिख के दे सकता है। क्या लिख के दे सकता है? न्यूक्लिक अम्ल भी लिख के दे सकता है कि न्यूक्लिक अम्ल प्लस में प्रोटीन का बना होता है, या जीन प्लस में प्रोटीन का बना होता है। जीन मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है, जीन अनुवांशिकता की इकाई होती है। क्लियर है? उसके बाद में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है डीएनए के बेस, कि डीएनए के बेस कौन से हैं, डीएनए में कितने बेस पाए जाते हैं, कितने अक्षर पाए जाते हैं। तो डीएनए में चार बेस पाए जाते हैं। कितने बेस पाए जाते हैं? चार अक्षर पाए जाते हैं। कौन से? पहला है एडेनिन, एडेनिन, और दूसरा है ग्वानिन, तीसरा है थाइमिन, थाइमिन, और जो चौथा बेस है उसको हम बोलेंगे साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये चारों के चारों जो बेस हैं ये किसके हैं भाई? डीएनए के हैं ये चारों के चारों बेस। अब आपसे पूछा जाए कि डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसको लिखे रहने देते हैं क्योंकि हमें इसकी यूज पड़ेगी। डीएनए की संरचना की खोज किसने की? डीएनए की संरचना की खोज किसने की? तो देखिए, डीएनए की खोज पूछ ली जाए या डीएनए की संरचना की खोज पूछ ली जाए, किसने की थी? तो ये वॉटसन और क्रिक के द्वारा की गई थी। वॉटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए का स्ट्रक्चर दिया गया था, यानी डीएनए की संरचना दी गई थी। आपसे पूछ लिया जाए कि डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसके द्वारा किया गया था? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर या डीएनए की दबी कुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये सेम ही बात है, वो आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है डीएनए की दबी कुंडली संरचना किसने दी, यानी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, एक ही बात है, हिंदी में लिखा है, संरचना की खोज की, या सीधा पूछ लिया जाए कि डीएनए की खोज किसने की, तो नाम किसका आएगा? वॉटसन और क्रिक का। और इन्हें इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी
दिया गया था आपसे पूछा जाए वॉटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार किस काम के लिए दिया गया, तो डीएनए की खोज के लिए दिया गया था। अब नेक्स्ट देखिए पाया कहाँ पे जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए मानव शरीर में पाया कहाँ पे जाता है, केंद्रक में। कोशिका जो होती है, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, एक बार इसको मिटाई देते हैं, कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है और इसका ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं केंद्रक। कोशिका जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है इसका जो सेंटर पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं भाई, केंद्रक बोलते हैं, यानी इंग्लिश में बात करें तो न्यूक्लियस बोलते हैं। इस केंद्रक के अंदर मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। क्लियर है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि डीएनए केंद्रक के अलावा कहाँ पे पाया जाता है, दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, डीएनए केंद्रक के अलावा, केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक के अलावा भाई माइटोकांड्रिया में पाया जाता है। माइटोकांड्रिया जिसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, कोशिका का श्वसन तंत्र कहते हैं, किसे, माइटोकांड्रिया को। कोशिका को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, माइटोकांड्रिया से। कोशिका सांस कहाँ से लेती है, माइटोकांड्रिया से। इस माइटोकांड्रिया में केंद्रक के अलावा डीएनए उपस्थित रहता है। समझ में आई है इतनी बातें, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए होता किस रूप में है डीएनए, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, इस तरीके से एक जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, मतलब ये जो लेयर्स बनाई हैं आपने ये क्या होती हैं, डबल होती हैं, ये वाली जो डबल है इसीलिए हमने इसको क्या बोलते हैं, दबी कुंडली बोलते हैं, दबी कुंडली संरचना होती है। और यहाँ पे जो ये स्पेस होता है इसमें बेस जुड़े होते हैं, हमने चार बेसिस की बात की है, एडेनिन, गवानिन, थाइमिन और चौथा जो हमने बात की किसकी, साइटोसिन की। तो ये चार बेस होते हैं, ये चार बेस जो ये जगह है खाली यहाँ पे आपस में जुड़े होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि एडेनिन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एडेनिन को लिखेंगे ए, थाइमिन को टी लिखा जाएगा, गवानिन को जी लिखा जाएगा, साइटोसिन को लिखा जाएगा सी। तो ए के साथ क्या जुड़ा होता है, टी। ए के साथ कौन जुड़ा होता है, टी जुड़ा होता है। और जी के साथ कौन जुड़ा होता है भाई, सी जुड़ा होता है। यानी यहाँ पे जो ये खाली स्पेस है, दोबारा से बनाते हैं इसको, यहाँ पे जो ये खाली स्पेस होता है, जैसे कि ये खाली स्पेस है इसमें इस तरीके से ये जुड़े होते हैं, ठीक है। तो आपसे पेपर में पूछा जाए कि एडेनिन बेस के साथ किसको जोड़ा जाता है, तो थाइमिन को जोड़ा जाता है। गवानिन के साथ किसको जोड़ा जाता है, तो आंसर क्या आएगा, साइटोसिन को किसके साथ जोड़ा जाता है, गवानिन के साथ जोड़ा जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में, केंद्रक के अलावा माइटोकांड्रिया में। डीएनए के चार बेस हैं, एडेनिन, गवानिन, थाइमिन, साइटोसिन। डीएनए की खोज किसने की, वॉटसन और क्रिक ने। डीएनए की दबी कुंडली की संरचना किसने दी, वॉटसन और क्रिक ने दी। और डीएनए के अंदर डी ऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है। तो जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। डीएनए किसका बना होता है, जीन प्लस में प्रोटीन का। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बनाकर आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे आरएनए की। तो आरएनए की बात करें तो आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आपसे आरएनए की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आरएनए की फुल फॉर्म होती है भाई राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये आरएनए कहां पाया जाता है, एक तो केंद्रक में, होता है, उसके बाद में केंद्रक के अलावा कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। केंद्रक के अलावा जैसे डीएनए माइटोकांड्रिया में पाया जाता था, ये कोशिका के अंदर कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। क्लियर है कि आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड केंद्रक के अलावा कोशिका में कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। और यहाँ पे आप बात कर सकते हो कि इन दोनों का ऑप्शन ना मिले तो थर्ड ऑप्शन मिलेगा कोशिका द्रव्य का, कि आरएनए इन दोनों के अलावा कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में। एक तो केंद्रक में, केंद्रक के अलावा साइटोप्लाज्म में, और केंद्रक के अलावा कोशिका द्रव्य में भी आरएनए उपस्थित रहता है, इस बात की आप ध्यान में रखेंगे। जिनमें केंद्रक नहीं होता उनमें किस में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में।
उसके बाद में अब आरएनए के बेस की बात करें तो हमने जो डीएनए के बेस लिखे थे कौन से लिखे थे, एडेनिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडेनिन, गवानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये चार जो हमने लिखे थे ये चारों किसके बेस थे, डीएनए के बेस थे। अब पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आता है भाई कि आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए का कौन सा बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है, तो ये जो थायमिन बेस है डीएनए का ये आरएनए में नहीं पाया जाता, इस थायमिन की जगह आरएनए में पाया जाता है जी यूरोसिल। कौन सा बेस पाया जाता है, यूरोसिल नामक बेस थायमिन की जगह आरएनए में पाया जाता है, बाकी तीनों के जो है वो सेम रहते हैं, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, यूरोसिल, ये चारों के चारों किसमें पाए जाते हैं, आरएनए में पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि डीएनए का कौन सा बेस आरएनए में नहीं पाया जाता, थायमिन, तो थायमिन की जगह पाया कौन जाता है भाई, यूरोसिल पाया जाता है। क्लियर है इतनी बातें, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये थे हमारे डीएनए और आरएनए। अब थोड़ी सी बात हम गुणसूत्र के बारे में जान लेते हैं कि गुणसूत्र जो है ये बने किसके होते हैं। सबसे पहले हम बात करें गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स पाए कहां पे जाते हैं भाई, गुणसूत्र पाए जाते हैं केंद्रक में, किसमें पाए जाते हैं, केंद्रक में। गुणसूत्र जो है वो कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर एक संरचना होती है केंद्रक में जाल जैसी, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन नामक संरचना से क्या बनता है, गुणसूत्र बनता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक होता है कोशिका विभाजन, क्या होता है कोशिका विभाजन। आपसे पूछा जाए कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो आंसर आएगा विरचाऊ या विरचो, कुछ भी लिखा मिल सकता है कि कोशिका विभाजन के बारे में किसने बताया, विरचाऊ या विरचो। इसने क्या बोला कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पहले से मौजूद कोशिकाओं के टूटने से बनती हैं। क्या पूछा जाए आपसे, कोशिका विभाजन क्या होता है, विरचाऊ ने बताया था। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि होता क्या इसमें, कि इसने बोला कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो पहले से मौजूद कोशिकाओं के टूटने से होता है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, गुणसूत्र की, ठीक है। तो देखिए हमारा जो केंद्रक होता है कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर एक जाल जैसी संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। केंद्रक के अंदर एक जाल जैसी संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन कहा जाता है। ये जो क्रोमेटिन होता है ये कोशिका विभाजन के समय सिकुड़कर क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। लंबा होने के बाद में ये किसका रूप ले लेता है भाई, गुणसूत्र का रूप ले लेता है। तो अब ये आपसे पूछा जाए कोशिका के अंदर किसके सिकुड़ने से गुणसूत्र बनते हैं, तो क्रोमेटिन के सिकुड़ने से क्या बनते हैं, गुणसूत्र। और उस दूसरे तरीके से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि केंद्रक बना किसका होता है, तो आप बताएंगे डीएनए प्लस में प्रोटीन का क्या बना होता है, केंद्रक बना होता है। क्या बना होता है, डीएनए प्लस में प्रोटीन का। यहीं से क्वेश्चन आ जाए थोड़ा सा डीप कि क्रोमेटिन किसका बना होता है, इस डीएनए प्लस में प्रोटीन का ही क्या बना होता है, क्रोमेटिन बना होता है। डीएनए प्लस में प्रोटीन का ही क्या बना होता है जी, क्रोमेटिन बना होता है। क्लियर है इतनी बातें। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या बन सकता है कि गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं लेकिन मनुष्य में कितने होते हैं, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, यानी आप 23 जोड़े कह सकते हो, कितने, 23 जोड़े।